हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के संपर्क में। तो दोस्तों, आईएसएल सीजन 9 में मार्को बाबुल के अंडर में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी की टीम एक भी पॉइंट लेने में नाकामयाब रही थी, लेकिन दोस्तों हाफ सीजन में ही अल्बर्टो एनेसे को नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी मैनेजमेंट ने अपनी टीम में साइन किया था और अल्बर्टो एनेसे के अंडर में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का प्रोग्रेस हम सभी को दिख रहा था। एटीके मोहन बागान एफसी जैसी स्ट्रॉन्ग टीम को हराया था अल्बर्टो एनेसे की टीम नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने। तो दोस्तों, काफी ज्यादा एक्सपीरियंस वाले कोच थे अल्बर्टो एनेसे। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हो थे, क्योंकि दोस्तों अब इंडियन फुटबॉल को छोड़ चुके हैं अल्बर्टो एनेसे। तो दोस्तों, जैसे कि फिलहाल का खबर है कि नेपाल मेंस नेशनल फुटबॉल टीम के हेड कोच के रूप में नियुक्त किए गए हैं अल्बर्टो एनेसे। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि वो अगले सीजन नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के कलर्स में नहीं लौटेंगे। तो दोस्तों, नेपाल मेंस फुटबॉल टीम के हेड कोच के रूप में दिखेंगे अब हम सभी को नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के फॉर्मर हेड कोच अल्बर्टो एनेसे। तो दोस्तों, आप सभी का क्या राय है इस खबर को लेकर, आप अपना राय जरूर कमेंट सेक्शन पर बताना। तो दोस्तों, मेरे ख्याल से ये इंडियन फुटबॉल का बहुत बड़ा लॉस हुआ है, क्योंकि दोस्तों गोकुलम केरला एफसी को इन्होंने 2 बार आई लीग का खिताब जिताया था और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी में आने के बाद भी इनका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा था। हालांकि प्लेयर्स का क्वालिटी के बारे में ना ही बात किया जाए नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के, तो ही बेहतर होगा। अगर प्लेयर्स अच्छे होते नॉर्थ ईस्ट के पास, तो मेरे ख्याल से अल्बर्टो एनेसे का परफॉर्मेंस भी काफ़ी ज़्यादा ऊपर हो जाता। लेकिन दोस्तों, अब ये इंडियन फुटबॉल में नहीं दिखेंगे, नेपाल मेंस फुटबॉल टीम के हेड कोच के रूप में नियुक्त किए गए हैं अल्बर्टो एनेसे। तो चलो दोस्तों, फिलहाल ये वीडियो में इतना ही था। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और अच्छा लगा है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो। तो चलो दोस्तों, अब हम मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो में।